अब मैं दो तीन चीजें लेके चलता हूँ कि उत्तरायण और दक्षिणायन अगर आपको समझ में आ गया, उत्तरायण पहले 6 महीने, दक्षिणायन सावन से चालू होते हैं। दक्षिणायन का मतलब है कि सूर्य मेरे से दूर जा रहा है, यानी कि दिन मेरा छोटा हो रहा है, रातें बढ़ रही हैं। उत्तरायण में पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड होती है, दक्षिणायन में नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड होती है। तो दक्षिणायन के जो चतुर्मास के 4 महीने हैं, इसमें सबसे ज्यादा झगड़े, सबसे ज्यादा इरिटेशन, एंगर, जेलसी, लस्ट सबसे ज्यादा इन 4 महीनों में होती है। इन्हीं 4 महीने में सबसे ज्यादा त्योहार है। अगर आपने 2 गाने सुने हो, सावन का महीना पवन करे शोर, मतलब क्या हुआ, सावन के महीने में आंधियां आती हैं और वही आंधी मेरे मन में भी आती है। तो सावन का महीना पवन करे शोर बाहर और पवन करे शोर अंदर, इसका मतलब है कि सावन के महीने में सबसे ज्यादा झगड़े होंगे, सबसे ज्यादा मन विचलित होगा, सबसे ज्यादा मन में आंधी आएगी, सबसे ज्यादा मेरा मन डवाडोल होगा, ठीक है। और दूसरा गाना क्या है, तेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, मतलब क्या हुआ कि सावन भादो में सब जगह बारिश है, सब जगह पानी है, फिर भी मेरा मन प्यासा क्यों है, क्योंकि सावन भादो में डिजायर्स फुलफिल नहीं होती, नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड है। और जिस फेज में आपके मन में तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है और डिजायर्स फुलफिल नहीं हो रही, और हनीमून में जाओगे तो क्या होगा, डिवोर्स। इसलिए इस 4 महीनों में शादियां नहीं होती, क्योंकि नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड है। कौन सी शादियां नहीं होती, जो अरेंज मैरिजेज हैं। लव मैरिज तो जब उनका लव हुआ था उसी पहले 4 महीने माने जाएंगे ना। जो अरेंज मैरिजेज हैं, जहां पे पहली बार एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हो, वहां पे चतुर्मास में इज नॉट द राइट पीरियड टू सेंड दिस टू पीपल अलोन, ये हमारी संस्कृति कहती है। इसलिए हमारे यहाँ चतुर्मास में शादियां नहीं होती। देवता सोए हुए हैं, देवता सोए हुए हैं, मतलब क्या है, देवता कौन है, पॉजिटिव थॉट्स, मेरे अंदर के विचार सोए हुए हैं, यानी कि नेगेटिव फेज ऑफ माइंड है, अच्छे विचार आ नहीं रहे, बुरे विचार आ रहे हैं, तो लड़ाई झगड़े होंगे। अब आप सब लोग देख लेना निकाल के, 9 महीने पहले जब आप पैदा हुए थे, आप निकाल लेना 9 महीने पीछे ले जाओ कि आपकी नींद कब रखी गई थी, तो आप देखोगे 51% से ज्यादा लोगों की नींद चतुर्मास में नहीं रखी गई होगी, क्योंकि नेचुरली भगवान भी उस टाइम पे कंसीव होने की कोशिश कम करता है, वो आपको ताकत ही नहीं देता कि चतुर्मास में लोग कंसीव करें। लोग कम कंसीव होते हैं लेकिन कम होते हैं, उनकी रिक्वायर, उनके नंबर कम होते हैं। तो आज इन 4 महीने के बाद 9 महीने जोड़ दो तो उस टाइम पे डिलीवरियां थोड़ी कम होती है। सो चतुर्मास के बारे में ये आया। अब चतुर्मास के त्योहार क्या क्या है। चतुर्मास में नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड है। चतुर्मास कब से स्टार्ट होता है, सावन से। अब ऐसे मत बोलो, ये आपका आपका टॉपिक है, औरतों का टॉपिक है, देखो मैं बोल रहा हूं। चतुर्मास से पहले कौन सा होता है, अमरनाथ की यात्रा चल रही है अभी। अमरनाथ की यात्रा के बाद क्या होगा, सावन चालू होगा। सावन में क्या होगा, गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा के बाद क्या होगा, ये कांवड़ चालू हो जाएंगे। चालू हो गए कांवड़, सारे कांवड़ चालू हो गए। कांवड़ के बाद कौन सा फेस्टिवल आएगा, नवरात्रि। तो बहुत दूर है, तो कार्तिक में आएंगे, अभी आएगी नागपंचमी, नागपंचमी आएगी। नागपंचमी के बाद में कौन सा फेस्टिवल आएगा, मेन फेस्टिवल, बड़ा फेस्टिवल, राखी आएगी, रक्षाबंधन, फिर जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के बाद में गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी के बाद में ना, उसके बीच में श्राद्ध, श्राद्ध के बाद में नवरात्रे, नवरात्रों के बाद में ना दशहरा, ना दशहरे के बाद में शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा के बाद में करवा चौथ, करवा चौथ के बाद में होली अष्टमी, होली अष्टमी के बाद में धनतेरस, धनतेरस के बाद में दिवाली। अब ये इस सीक्वेंस में क्यों है, आगे पीछे क्यों नहीं है, ये सारे त्योहार उत्तरायण में क्यों नहीं थे, उत्तरायण में होली के अलावा बाकी कुछ दूसरा त्योहार क्यों नहीं है, कैन एनीबडी टेल मी। ये सारे त्योहार जो है, ये सारे त्योहार उत्तरायण में क्यों नहीं थे, दक्षिणायन में ही क्यों है। अब देखिए, यस, फेस्टिवल्स में नेगेटिव थॉट्स ना आए इसलिए मनाए जाते हैं, क्योंकि दक्षिणायन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हमको गलत काम ना कर दे, इसलिए सारे त्योहार इसी टाइम पे हैं।
अब देखिए इन त्योहारों के बारे में। सबसे पहले गुरु पूर्णिमा, यानी कि मेरा मन नेगेटिव हो रहा है तो गुरु के पास जाओ, आशीर्वाद दो कि आज से मुझे गाइड करो मैं क्या करूं। इसलिए त्योहार साठ होगा गुरु पूर्णिमा का और अमरनाथ की यात्रा का। अमरनाथ की यात्रा क्या बताती है हमारे को कि जब पार्वती ने शिव से कहा कि आप मेरे को बताओ कि मैं आपको कैसे पाऊं, यानी कि शरीर आत्मा को कैसे पाए, तो शिव ने कहा उसको अमरनाथ की यात्रा की कथा सुनाई। कथा सुनाने के लिए वो उसको गुफा की तरफ ले गए। रास्ते में सबसे पहले उन्होंने नंदी को छोड़ दिया, फिर छोड़ा उन्होंने मून को, चंद्रमा को छोड़ दिया, फिर उन्होंने छोड़ा शेष नाग को, अपने नाग को उतार के छोड़ दिया, फिर छोड़ा गणेश जी को, फिर छोड़े पांच तंत्र, फिर जाके गुफा में घुसे, तांडव नृत्य किया और कबूतर के अंडों में सुना। ये स्टोरी है। तो वो क्या कहते हैं कि अगर आप चाहते हो स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन तो सबसे पहले नंदी को, अपने अंदर के नंदी को छोड़ो। नंदी हमेशा मंदिर के बाहर होता है, अंदर नहीं होता। किसी भी मंदिर में नंदी मंदिर के अंदर नहीं होता, बाहर होता है। नंदी इज बुल। बुल क्या है? सांड। सांड क्या है? एक लड़की कहती है ना, क्या मेरी सांड की तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ है। सांड मीन्स योर सेक्सुअल डिजायर्स। इसका मतलब है कि शिव जी की पूजा करने के लिए सबसे पहले अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को बाहर रखो। विथ सेक्सुअल डिजायर्स यू कैनॉट कम इन, यू कैनॉट गो टू अमरनाथ की यात्रा फॉर हनीमून। जा सकते हैं ना लोग, जा रहे हैं लोग, क्या हो हनीमून, हनीमून कहां जा रहे हैं, अमरनाथ की यात्रा में हनीमून करने जा रहे हैं, नहीं जाते ना आप? क्यों नहीं जाते? यू हैव टू कीप योर सेक्सुअल डिजायर्स आउट, विदाउट दैट यू कैनॉट अटेन स्पिरिचुअलिटी। सबसे पहले अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को छोड़ना होगा अगर आपने मंदिर में जाना है तो। सबसे पहले अपने नंदी को, अपने अंदर के नंदी को बाहर छोड़ दिया, फिर मून को बाहर छोड़ दिया। मून मीन्स ठंडक, ठंडा दिमाग, अपनी एक्सपेक्टेशंस को बाहर छोड़ दिया, फिर अपने अहंकार यानी कि स्नेक को बाहर छोड़ दिया, फिर अपनी अटैचमेंट्स टू वर्ड टू द फैमिली गणेश जी को बाहर छोड़ा, फिर अटैचमेंट टू योर वर्ल्डली डिजायर्स पांच तंत्रों को बाहर छोड़ा, तब जाके आप मेडिटेशन कर पाओगे यानी कि तांडव नृत्य। और जब आपका मेडिटेशन होगा तो आपके जीन्स भी सुनेंगे, यानी कि पिजन्स एग्स, पिजन इन योर बॉडी इज सेल, आपके अंडे भी सुनेंगे, यानी कि यू कैन चेंज योर जीन्स बाय दैट। तो अमरनाथ की यात्रा का यह पूरा मतलब है। और यही अमरनाथ की यात्रा पूरे चतुर्मास के अंदर में एक एक त्यौहार के रूप में मनाई जाती है। सो पहला त्यौहार क्या है हमारा? नहीं ना, गुरु पूर्णिमा के बाद में शिव जी की पूजा, नहीं नागपंचमी से पहले शिव जी की पूजा स्टार्ट हो गई, कांवड़ यात्रा चालू हो गई। कांवड़ यात्रा, शिव जी की पूजा सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन क्यों नहीं होती? मंगल के दिन क्यों नहीं होती? सोमवार का मतलब है मून, मून मतलब माइंड, शिव जी की पूजा मतलब माइंड को कंट्रोल करना, चंद्रमा मतलब कूल, मन को ठंडा करना। और किस लिए करते हैं हम सोमवार की यात्रा? सोमवार की पूजा क्यों करते हैं? कि कुंवारी लड़की को अच्छा पति मिले, ये करते हैं कि मेरे को अच्छा पति मिले, इसलिए सोमवार की आप पूजा करते हो कि शिव जी की। कुंवारी लड़की को अच्छा पति कब मिलेगा? नहीं 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 नहीं, कब मिलेगा? जब वो कुंवारी रहेगी। अगर लड़की कुंवारी नहीं है तो उसको अच्छा पति नहीं मिलेगा। अगर शादी से पहले इधर उधर मुंह मारेगी तो अच्छा पति नहीं मिलेगा। सबसे पहले वर्जिन होना जरूरी है। तो एक लड़की कुंवारी कब रहेगी? जब वो अपने मन को कंट्रोल कर पाएगी, मन को शांत कर पाएगी। किस महीने में? सावन के महीने में, क्योंकि सावन के महीने में मन भटकता है। सावन के महीने में आस पड़ोस के लड़के छेड़ते हैं, मन भटकता है कि उसके साथ भाग जाऊं। उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने शिव जी नाराज हो जाएंगे, भय दे दिया कि शिव जी का व्रत है, मैं तो शिव जी का व्रत है, मतलब ये सोलह सोमवार शिव जी की भक्तनी हूं, मैं इधर उधर मुंह नहीं मार सकती, देख नहीं सकती। और अगर ये चार महीने आपने अपने को कंट्रोल कर लिया, बाकी आठ महीने मन भटकेगा ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड है। तो इसलिए ऊपर वाले ने हमारे जो त्यौहार बनाए हैं, इसलिए बनाए हैं कि आपका मन ना भटके, प्री मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ना हो। तो शिव जी की पूजा का मतलब क्या है कि शिव जी के मेरे व्रत चल रहे हैं, इसका मतलब है कि मैं अपने आप को सेक्सुअल सेल्फ रेस्ट्रेंट में हूं। आ गया बुल वाला चीज। सबसे पहले सेक्सुअल रेस्ट्रेंट, कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा के बाद में क्या हुआ? कांवड़ यात्रा से हमारी क्या हुई? दो चीजें आ गई, सेक्सुअल डिजायर्स एंड हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कंट्रोल में आ गई। इसके बाद में नागपंचमी। व्हाट इज नाग? अहंकार।
नागपंचमी में हम अहंकार को मारते नहीं, कंट्रोल करते हैं, वी डोंट किल नाग। और नाग हमारा कब, किसी के अहंकार को हम कैसे क्रोधित कर सकते हैं, या तो बोल दो तेरी जात खराब है, या बोल दो तू करप्ट है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी, या बोल दो तेरा करेक्टर खराब है, ठीक है, इससे किसी का। और अहंकार के दिन में क्या करना है, हमने सांप को हाथ जोड़ के निकल लेना, यानी कि ह्यूमिलिटी, नम्रता। तो सेकंड फेस्टिवल हमें क्या सिखाता है, इस पीरियड में लोग आपको उचकाएंगे, सावन के महीने में लोग आपको उचकाएंगे, लोग आपको आपका अहंकार, या तो आपका अहंकार जगाएंगे, या अगर आपने किसी कारण से वो अहंकारी हो गया तो हाथ जोड़ के निकल लो, सांप को दूध पिलाओ, निकल लो, बोल भाई तू बड़ा है मेरे से, मैं तो चला। दैट इज नागपंचमी। नागपंचमी के बाद में कौन सा फेस्टिवल आता है, रक्षाबंधन एंड जन्माष्टमी। अगेन रक्षाबंधन इज फॉर लस्ट, दो फेस्टिवल है लस्ट के लिए, पहला है लस्ट के लिए कांवड़ यात्रा, और जो लोग कांवड़ यात्रा में विश्वास नहीं करते वो रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का मतलब क्या है, लस्ट आपको रिश्ते की तरह बात कराता है कि लस्ट की तरफ नहीं जाना, आपको बहन भाई के प्योर रिश्ते की तरफ बात कराता है कि अब मेरी शादी हो गई, शादी होने के बाद में मुझे इधर उधर हाथ पैर नहीं मारने, हर बहन, हर लड़की मेरी बहन की तरह। उसके बाद में जन्माष्टमी, जन्माष्टमी का मतलब है मन प्यूरिफाई हो गया, अब तक आपने जितने भी फेस्टिवल किए, नाउ योर माइंड इज प्यूरिफाइड। जन्माष्टमी, अष्टमी, अष्टमी मीन्स एक लिम्स ऑफ योग, यानी कि आपका मन प्यूरिफाई हो गया। उसके बाद में कौन सा फेस्टिवल आएगा, गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी में क्या किया आपने, अटैचमेंट्स, गणेश टेल्स यू टू अटैचमेंट्स, अपने अटैचमेंट्स को और ऑब्स्टेकल्स को कम करना, और फिर श्राद्ध, अटैचमेंट्स टू द एंसेस्टर्स, अटैचमेंट टू चिल्ड्रन लिविंग एंड अटैचमेंट टू द डेड इज श्राद्ध। जब ये सब आपने कर लिए, उसके बाद में नवरात्रों में अगर आप उसको अच्छे से निभाओगे तो आपके अंदर का तमस यानी कि कुंभकर्ण, रजस यानी कि मेघनाथ, अहंकार यानी कि रावण की मृत्यु होगी, तो आपके शरीर में सातवा यानी कि विभीषण का राज होगा, राम सीता लक्ष्मण इकट्ठे होंगे। तो ये सारे फेस्टिवल्स हमारे को हाउ टू बी हैप्पी सिखाते हैं। एक प्रिंसिपल याद रखो कि अगर मैं किसी को बोलूं तो खुश है कि नहीं है, यहां पर कोई ऐसी लेडी या लेडा है जो खुश नहीं है, एनीबॉडी, आप खुश नहीं हो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, वेरी गुड, ये नहीं नहीं ट्रायल करूंगी, खुश नहीं हूं, ये कहती है कि मैं खुश नहीं हूं, मैं बहुत खुश हूं, क्या मुझे पांच कारण बताओ जिस कारण से आप खुश नहीं हो। अब मैं इसके बगैर बता दूंगी, नहीं वो कोई बात नहीं, मैं खुश नहीं हूं इनजस्टिस से। तो पहली बात यह है कि मैं खुश नहीं हूं इनजस्टिस से। दूसरा, मैं खुश नहीं हूं लोगों की हेरा फेरी बेईमानी से। मैं खुश नहीं हूं लोगों के करंट बिहेवियर से। मैं खुश नहीं हूं लोगों की चालाकी से। लोगों की चालाकी से लोग मेरा बेवकूफ बनाते हैं। बिल्कुल सही। मैं खुश नहीं हूं कोई किसी की मदद दिल से नहीं करता। तो कोई किसी की मदद दिल से ना करे तो खुश नहीं हूं, अगर मदद करो तो दिल से करो। मैं खुश नहीं हूं जब मैं अगर मदद करती हूं तो कोई मुझे रोकता है और मेरा मजाक उड़ाता है। मेरा मजाक उड़ाता है तो मैं खुश नहीं हूं। अब देखिए, खुशी के तीन पहलू हैं। पहला पहलू है जो इन्होंने पांच कारण गिनाए, वो पहला पहलू है सर्कमस्टांसेस, कि लोग ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं, लोग मेरे को रोकते हैं, मैं ये नहीं कर पाती, मैं वो नहीं कर पाती, ये पहला कारण है। दीज आर कॉल्ड सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस मेक्स यू अनहैप्पी एंड दैट्स व्हाट शी सेड। इन्होंने पांचों कारण सर्कमस्टांसेस, पांच सर्कमस्टांसेस गिना दिए जिसमें ये कहती है आई एम अनहैप्पी। दूसरा कारण, हैप्पीनेस कैसे मिलती है आपको, पास्ट एक्सपीरियंसेस, कि पिछली बारी उससे मेरा एक्सपीरियंस खराब हुआ था, मैं तो उसके पास नहीं जाऊंगी, ठीक है ना, कि मैं जब पिछली बारी डॉक्टर अग्रवाल को मैं दिखाने गई तो उन्होंने मुझे ध्यान से नहीं देखा, अब तो नहीं जाऊंगी उनके पास में। दीज आर कॉल्ड सर्कमस्टांस, दीज आर कॉल्ड एक्सपीरियंस, योर पास्ट एक्सपीरियंस। एंड थर्ड टाइप ऑफ हैप्पीनेस इज योर चॉइसेस। 50% ऑफ योर हैप्पीनेस इज योर चॉइसेस। आपके हाथ में है चॉइसेस, आपकी मर्जी है, चूज करो ना करो, किसी ने बुलाया नहीं था इस मंदिर में आके मेरा लेक्चर सुनो, आपने चॉइस किया, अगर आपने खुद चूज करके यहां आए, एंजॉय द लेक्चर। तो 50% ऑफ योर हैप्पीनेस इज इन योर हैंड बिकॉज इट इज योर चॉइसेस। दो मिनट रुक जाओ, अभी इनके आंसर देना है मेरे को।
आप रुक जाइए, 40% ऑफ योर हैप्पीनेस इज योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, वो भी आपके हाथ में, एक बार और एक्सपेरिमेंट करके देख लो भाई, एक बार और एक्सपेरिमेंट करके देख लो ना। आप बोलो कि पिछली बारी मैं ऑलिंडिया इशू में गई थी, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था इसलिए ऑलिंडिया इशू खराब है, अरे एक बार और करके देख लो ना, वो भी आपके हाथ में है। 10% हैप्पीनेस जो है वो आपके सर्कमस्टांसेस के ऊपर में है, और 10% के ऊपर में आप अनहैप्पी हो, शी इज अनहैप्पी बिकॉज ऑफ दिस 10%। 90% तो आपके हाथ में है हैप्पीनेस, आपका खुश होना आपके हाथ में है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। उन 10% को क्यों कोस रही हो, फॉरगेट देम, फॉरगेट देम, यू विल बी हैप्पी विद दैट। क्योंकि मेरे बाद में 3 और स्पीकर्स भी हैं, मैं डॉक्टरी से ही रिलेटेड में 3 अलग अलग स्पीकर से भी और बोलने वाले हैं। मैं छोटा सा एक 5 मिनट का आपको, नहीं उनका भी जरूर, उनका मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन तीनों का इसलिए मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो कहते हैं कि गुरु को अच्छा तब लगता है जब शिष्य उनके आगे निकले, और अगर वो आगे निकलेंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा उसके साथ में। मैं थोड़ा सा आपको एक, आप लोगों ने, कितने लोगों ने मेरी रामायण सुनी हुई है, हाँ या ना सुनी हुई है, हाँ वेरी गुड क्वेश्चन। अब आप सब लोगों को समझ में आ गया मैंने स्टेथोस्कोप क्यों पहन रखा है, सिर्फ इसीलिए कि मैं संत ना बन जाऊं। कहते हैं ना मैं साधुओं से कभी कभी आलाप भी कर लेता हूं, मंदिर में जाके पूजा पाठ भी कर लेता हूं, यही सोचकर कि आदमी से खुदा ना बन जाऊं मैं कभी कभी पाप भी कर लेता हूं। सो ये सब लोग ये ना सोच जाए कि मेरे को कल से यहाँ कुर्सी में बिठा देंगे और बोलेंगे कि बाबा जी, बाबा बाबा स्वामी के अग्रवाल जी, बाबा से बाबा के जी, आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर ही रहूँगा। आपके रामायण नहीं सुने, मैं रामायण बोल के समाप्त करूँगा, उसके बाद में 4-5 क्वेश्चंस ले लूँगा। पंजाबी बाग में सुने थे आपने, मेरे पास 2 रामायण है, एक बेसिक और एक एडवांस, क्योंकि ज़्यादा तो लोगों ने नहीं सुनी तो बेसिक ही बोलूँगा। मेरा शरीर 5 तत्वों का बना है, जो तत्व दिखाई देता है वो है पृथ्वी, तो मेरा शरीर हुआ पृथ्वी। अगर मेरा शरीर हुआ पृथ्वी तो मेरे शरीर का नाम हुआ सीता, पृथ्वी की पुत्री यानी कि सीता। अगर मेरा शरीर सीता तो आत्मा मेरी राम हुई, और अगर आत्मा मेरी राम तो आत्मा और शरीर का मिलन कौन करवाएगा, लक्ष्य मन का, मन का लक्ष्य, डिटरमिंड माइंड, लक्ष्य मन, लक्ष्य मीन्स एम डिटर्मिनेशन, माइंड, मन मीन्स माइंड, डिटर्मिंड माइंड मीन्स लक्ष्य मन, राम सीता लक्ष्मण मीन्स माइंड बॉडी एंड सोल इकट्ठे हैं, मेरा मन मेरा तन और मेरी आत्मा इकट्ठे होंगे तो राम लक्ष्मण सीता इकट्ठे होंगे। ये तीनों इकट्ठे कब होंगे, जब मेरी इंद्रियां नहीं भटकेंगी। अगर मेरी इंद्रियों पे मेरे को कंट्रोल है तो राम सीता लक्ष्मण इकट्ठे होंगे। इंद्रियां चंचल होती हैं, चंचल घोड़े होते हैं, 2 घोड़ों को रथ बोलते हैं, 10 घोड़ों के रथ को दशरथ बोलते हैं, यानी कि मेरे शरीर में दशरथ का राज होगा, मैंने 10 इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, राम सीता लक्ष्मण इकट्ठे होंगे, मेरे को बीमारी नहीं हो सकती। बीमारी कब होगी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, काम यानी कि केकई, लोभ यानी कि मारिच, अहंकार यानी कि रावण, तीनों में से एक भी नहीं था तो रामायण नहीं थी। काम यानी कि केकई, जब काम यानी कि वासना सामने आएगी तो इंद्रियां मरेंगी, यानी कि दशरथ मरेगा, राम सीता लक्ष्मण जंगल में भटकेंगे विदाउट ए कंट्रोल। जब विदाउट ए कंट्रोल भटकेंगे तो मन गुस्सा करेगा सूर्पनखा पे, और अहंकार यानी कि रावण पैदा होगा। जब रावण पैदा हो गया तो लोभ और मोह यानी कि सोने के हिरण को भेजेगा, और मन और आत्मा को डाइवर्ट करेगा और शरीर पे कब्जा कर लेगा, यानी कि शरीर पे अहंकार का कंट्रोल आ गया और मन और आत्मा भटक रहे हैं कि हम क्या करें, राम और लक्ष्मण भटक रहे हैं कि हम क्या करें, शरीर पे यानी कि सीता पे तो अहंकार यानी कि रावण ने कंट्रोल कर लिया, बीमारियां चालू हो गई सारी। अब अपने अंदर के अहंकार को कैसे कंट्रोल करें, सबसे पहले अपने मन को काबू में लाके,
सबसे पहले अपने मन को काबू में कैसे लेकर आए, अपने अंदर की प्राणवायु को कंट्रोल करके। प्राणवायु यानी कि पवन, यानी कि वायु, पवन पुत्र से मन को कंट्रोल करना यानी कि हनुमान, यानी कि प्राणायाम करके मैं अपने अंदर के हनुमान को जागृत कर सकता हूं। जब मैंने प्राणायाम करके अपने मन को जागृत कर लिया तो मेरे सारे विचार जो बंदरों की तरह फुदकते हैं यानी कि वानर सेना कंट्रोल में आ गई। जब मैंने हनुमान और वानर सेना यानी कि मन को जीत लिया, अब मुझे जीतना है बुद्धि यानी कि राजा यानी कि सुग्रीव यानी कि इंटेलेक्ट को, मन के बाद बुद्धि को। बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए मुझे वाली यानी कि लस्ट को मारना पड़ेगा, जिसको मैं सामने से नहीं मार सकता, क्योंकि वासना को सामने से नहीं मार सकते, पीछे से मारना पड़ेगा, आत्मा के द्वारा यानी कि राम के द्वारा, लक्ष्मण के द्वारा नहीं। यानी कि अगर मैंने एक भावना से स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर क्रिएट करके अगर मैंने अपने वाली को अपने कॉन्शियसनेस से पीछे से मार दिया तो मैंने सुग्रीव यानी कि बुद्धि पे विजय पा ली। जब मैंने मन और बुद्धि दोनों पे विजय पा ली, उसके बाद में मन लगा के अगर मैं अटैक करूंगा बुराइयों पे, मन लगा के बुराइयों पे अटैक करूंगा यानी कि लंका की चढ़ाई, लंका पे चढ़ाई, तो मेरे अंदर में सबसे पहले तमस यानी कि कुंभकर्ण मरेगा, उसके बाद में रजस यानी कि मेघनाथ मरेगा, फिर अहंकार यानी कि रावण मरेगा, और जब रावण मर गया तो मेरे शरीर में सातवां यानी कि विभीषण का राज होगा, राम सीता लक्ष्मण फिर इकट्ठे हो जाएंगे, मेरी बीमारियां खत्म हो जाएंगी क्योंकि अहंकार मर गया। और अब क्योंकि वो वापस जाएंगे अयोध्या की तरफ और वहां दशरथ नहीं है, तो हनुमान को साथ लेके जाएंगे जिंदगी भर के लिए। यानी कि या तो अपनी दसों इंद्रियों को कंट्रोल में रखो, अगर आपकी इंद्रियों में कंट्रोल नहीं कर सकते तो प्राणायाम यानी कि अपने अंदर के हनुमान को हमेशा अपने दिल में रखो, कभी उसका साथ मत छोड़ो। अगर आप दिन भर में रोज प्राणायाम करोगे तो जिंदगी भर तक हनुमान आपके साथ रहेगा, आपके दिल में रहेगा और आपको बीमारियां नहीं होंगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये थी के अग्रवाल की एलोपैथिक रामायण। ऐसे के अग्रवाल की, क्योंकि मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है, तो कोई किसी को मन में ये नहीं आना चाहिए कौन सा इंटरप्रिटेशन आ गया जी, ये कौन सी रामायण है। सो कहने का मतलब है दोस्तों, भाइयों, बहनों, सिंपल सी चीज है, हमारी भारतीय संस्कृति में जो भी लिखा है उसको अपनाओ, समझ के अपनाओ, ना समझ के अपनाओ, उसको अपनाओ जरूर। पता नहीं दूसरा जन्म मिले ना मिले, इस जन्म के अंदर में तो कम से कम अच्छे से गुजारो। बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू। I'll take 3 or 4 small questions, then we'll have other speakers. कुछ छोटे छोटे questions किसी के हों, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मैं इतना अच्छा नहीं बोलता कि सबको समझ में आ गया हो, या इतना गंदा भी नहीं बोलता कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया क्योंकि सवाल ही नहीं है। चलो, I am going to end with my yes. अनाज के अंदर में सारी चीजें आती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, वो सारा अनाज है। दालें प्लस माइनस है, बट जिसमें भी कार्बोहाइड्रेट अनाज है वो नहीं लेना। डॉक्टर साहब, हमारी संस्कृति में हमारे जो बड़े लोग थे उन्होंने कई नियम बनाए थे कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, और आजकल के जो साइंस है, डॉक्टर्स है, वो कहते, वो उसके विपरीत बताते हैं कि घी नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, तो इसमें तो कुछ टाइम के बाद फिर कहते हैं कि घी खाना चाहिए, घी नहीं खाएंगे तो दिमाग की बीमारी होगी। तो हमारे जो पुराने बड़े लोग थे उन्होंने हजारों सालों के बाद में जो उनका एक्सपीरियंस था, ऑब्जर्वेशन था, उसके बेस में जो कहा था उसको हम मानते क्यों नहीं है? ओके, सारे सही हैं, लेकिन हमारा समझ हमारी अलग अलग है। याद रखिए, भगवान मेरे अंदर है, भगवान को भोग चढ़ाते हैं, खाना नहीं खिलाते, तो अपने भगवान को भी भोग चढ़ाओ यानी कि खाना कम खाओ। जितना खाना कम खाओगे उतनी बीमारियां कम होंगी, तो अपने को भी भोग लगाओ, ये नहीं पेट भर के खाना खाओ, पहला प्रिंसिपल है। दूसरा, जो भगवान को चढ़ाते हैं अपने को भी चढ़ाओ, जो भगवान को नहीं चढ़ाते या मत खाओ या कम खाओ। भगवान को मूली नहीं चढ़ाते कम खाओ, गाजर नहीं चढ़ाते कम खाओ, भगवान को प्याज नहीं चढ़ाते कम खाओ, भगवान को बीड़ी सिगरेट नहीं चढ़ाते मत पियो। जो भगवान को नहीं चढ़ाते अपने को भी या कम करो या मत करो, ये प्रिंसिपल है। भगवान के दिए में कभी भी हम वनस्पति घी नहीं डालते, पनघट डालडा नहीं डालते, डालते हैं कभी? गरे से बुरे से बुरे घर में भी, गरीब से गरीब, दरिद्र से दरिद्र घर में भी अगर दिया जलेगा तो या तेल का जलेगा या घी का जलेगा।
तो जिस भगवान को आप वनस्पति खिलाने को तैयार नहीं हो, चढ़ाने को तैयार नहीं हो, इस भगवान को क्यों चढ़ाते हो? तो डॉक्टर मना करते हैं हाइड्रोजनेटेड ऑयल को, वो डेंजरस है। ऑयल और देसी घी ले सकते हैं मॉडरेशन एंड वैरायटी में। सो ये प्रिंसिपल हमारा कहना गलत है कि जो डॉक्टर जो कहते हैं हम उनको समझ नहीं पाते, हम अपनी समझ के अनुसार में समझते हैं। आई एम गोइंग टू एंड अप विद ए सिंपल फार्मूला, आई ऑलवेज एंड अप विद दैट फार्मूला। माई फार्मूला इज फार्मूला ऑफ 80। अगर आप दिस इज कॉल्ड के अग्रवाल का फार्मूला ऑफ 80। अगर आप चाहते हैं 80 साल तक आपको हार्ट अटैक ना हो, पैरालिसिस ना हो, या 80 साल तक आप जिंदा रहें, स्वस्थ रहें, तो मेरा फार्मूला ऑफ 80 याद रखें। दिल की धड़कन, नीचे का ब्लड प्रेशर, गंदे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, फास्टिंग शुगर और पेट की चौड़ाई सबको 80 से कम रखें। दिन भर में 80 मिनट चलें, हफ्ते में 80 मिनट तेज चलें, एक मिनट में 80 कदम चलें। 80 प्राणायाम करें दिन भर के अंदर में, 80 साइकिल प्राणायाम की करें। एक बार में 80 ग्राम से ज्यादा कैलोरी खाना ना खाएं, 80 ml से ज्यादा कैलोरी लिक्विड ना लें, साल में 80 दिन अनाज ना खाएं, ठीक है। शराब ना पिए, पिए तो 80 ml से कम, एक हफ्ते में 80 ग्राम से कम। सिगरेट ना पिए, नहीं तो 80,000 रुपए का खर्चा आ जाएगा। ऐसे एटमॉस्फेयर में ना बैठे जहां पे खूब माइक चल रहे हो, 80 डेसिबल से ज्यादा एटमॉस्फेयर के अंदर में नॉइस पोल्यूशन हो, ठीक है। दिन भर में 80 बार मुस्कुराए, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, एक दूसरे का साथ दें, ठीक है। तो हर चीज 80 बार हुई, और आखिर में, ठीक है, सुभाष जी के लिए, महाराज जी के लिए, डॉक्टर अनुपम जी के लिए जिन्होंने मुझे बुलाया, इन लोगों के लिए 80 बार ताली बजा दें। ताली बजाने से हार्ट अटैक नहीं होता। थैंक यू। सवाल खत्म हो गया, सवाल अब बाहर, सवाल अब खत्म हो गया। जब ताली बज जाती है तो उसके बाद में 80, अगर आपने 80 भी नहीं करे तो फिर प्रोटेक्शन नहीं है। थैंक यू वेरी मच। एंड अब नेक्स्ट किसका है?